So let us look at some of the things that we should be doing or thinking about doing in Ramadan. And this is a warm-up period for us. You know, Shaban is a month in which you start mental preparation for that. ये नहीं होना चाहिए कि शाबान में आप ड्रेड कर रहे हैं आप कह रहे हैं अल्लाह गर्मी बहुत लगेगी अच्छा अल्लाह जागना पड़ेगा अल्लाह अभी मजे कर लो जितने मजे करने एंड देन वन डे सडनली यू फाइंड आउट इट इज अनाउंस्ड ऑन योर टीवी कल पहला रोजा है एंड नाउ यू आर इन अ पैनिक मोड सो दिस टाइम इज द टाइम व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर रमजान एंड यू कैन सेट योर ओन टारगेट्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट दैट यू नीड टू हैव इज योर इंटेंशन योर निया You need to be very much aware. मैंने ये कुरान क्यों पढ़ना है तकवा के लिए मैंने तरावी में क्यों जाना है अब्बू के लिए नहीं तकवा के लिए मैंने रोजा क्यों रखना है एक्चुअली हमारे घर में सब रखते हैं नो फॉर तकवा एंड यू हैव टू मेक कॉन्स्टेंट एफर्ट फॉर इट आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कुरान पढ़ने को ओ सॉरी माई इंटेंशन इज तकवा आई हैव टू पुल माई सेल्फ आउट ऑफ दैट मोड ऑफ लेजीनेस प्रोक्रेस्टिनेशन मैंने फिर भी पढ़ना है You have to keep your intention very pure. Don't look at people. Don't try to impress people. आपने कितना कुरान पढ़ा? मैंने माशाल्लाह 3 कुरान खत्म किए. Do it for Allah's sake only. How will you improve your connection with Quran? Daily recitation. Make it compulsory for yourself. I know many students who, when they had their Ameen at the age of 7 or 8 years, they have never opened Quran after that. So please make sure you are not one of them. अगर आपको लगता है आपको कुरान भूल चुका है आपने नहीं पढ़ा बीच में इट्स ओके आजकल ऑनलाइन आपको बहुत क्लासेस मिल जाती हैं रेसिटेशन की मिल जाती हैं ट्रांसलेशन की मिल जाती हैं तफसीर की मिल जाती हैं अटेंड एनी ऑफ वन ऑफ देम लिसन टू अ गुड कारी अटेंड स्टडी सर्कल ऑफ कुरान नाउ वी हैव सो मेनी प्लेसेस वेयर वी हैव दौरा कुरान ऑनलाइन सुन लें डोंट मिस तरावी और तरावी के लिए अच्छी मस्जिद और जहां पे अच्छे तरीके से पढ़ाएं वो जगह सेलेक्ट करें वन एडवाइस टू ऑल द मेन It's a humble request. Don't go to your imam sahab and tell them ki zara tez padhaein. Unko kahein sahi padhaein. And focus on the comprehension. Apne liye ek diary rakhe, notes banaye. Koi apne liye target set kare, highlight kare kuch ayat ko ki ye mujhe samajh aayi hai. Aur maine is cheez ke upar focus karna hai. Agar aap mein se kisi ko lagta hai ki I want to become a better Muslim, mujhe samajh nahi aati main kaise karun, is Ramzan ko devote kar dein for a Quran class. जहां पे आपको मीनिंग और कॉम्प्रीहेंशन के साथ पढ़ाया जा रहा हो नंबर 3 अवॉइड सिनिंग मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल योर बैड हैबिट्स हमें से हर शख्स हर वक्त किसी न किसी चीज के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है मे बी द स्ट्रगल्स यू हैड अ ईयर बैक दे आर नो लॉन्गर देयर बट यू हैव न्यू स्ट्रगल्स सो पिक अप अ टारगेट फॉर द मंथ डोंट ब्लो थिंग्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये नहीं करना कि अपनी लिस्ट बना के रो धो के कहा मैं तो हूं ही बुरा इंसान टेल योर सेल्फ आई मीन आई हैव अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स Nay, I will focus on 2 of them. I will focus on 5 of them. And you set a steady target for yourself. Then make a strategic plan for that. Kin kin jagahon pe main ye gunah karti hoon. For example, waise main movies nahi dekhti. Lekin if I'm free, phir main movie dekhungi. Ya bore ho rahi hoon, movie dekhi. That means, mujhe free nahi rehna. I need to have some healthy activities with me when I want to relax. Meri ammi se hamesha ladai hoti hai. तो फिर क्या है दैट मीन्स आई हैव टू पिक ऑल द सिचुएशन जब लड़ाई होती है एंड आई हैव टू हैव अ प्लान वेन एवर अम्मी इज गोइंग टू से दिस हाउ विल आई हैंडल इट एंड आई ट्राई नॉट टू डू द थिंग्स विच मेक माई मदर अपसेट एंड इफ वन प्लान फेल्स थिंक ऑफ अनदर ऑल्टरनेटिव प्लान एंड गिव योर सेल्फ पेनल्टी फॉर द एरर्स एंड यू कैन हैव अ सदका बॉक्स मैंने डिसाइड किया था कि आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माई ओन एंगर बड़ी प्लानिंग की फिर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया तो क्या करें हैव अ सदका बॉक्स उसमें अपनी ही पॉकेट मनी में से कुछ पैसे डालें दिस इज माय ओन पेनल्टी नंबर 4 यू हैव टू स्ट्राइव फॉर अमले सौले हकूकुल्ला एंड हकूकुलिबाद रीच आउट टू पीपल डोंट जस्ट कीप सिटिंग आप अपने रोजे को बड़ा इंजॉय कर रहे हैं बड़ा मजा आ रहा है मौसम बड़ा अच्छा है बट योर मॉम इज इन द किचन Because you have told her, अम्मा आज 3 किस्म की चटनीज होनी चाहिए और पकौड़े इस किस्म के होने चाहिए और उसके साथ ये भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए No, we need to take care of people around us. We need to be helpful to them. And do not bypass हकूकुल्ला नमाज छोड़ के हेल्प नहीं होती Number 5, क्यामुल लैल इसकी पूरी तैयारी करें This should be your priority.
agar aap mein se koi tarawih nahi padhta is dafa plan bana le maine padhni hai. Choose the best masjid, take some friends along. Aapki company hoti hai to uske sath bahut aasan ho jata hai kaam. And try to understand the verses, recite lot of istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, look for Laylatul Qadr on the odd numbered night during the last 10 days of Ramadan. Do a lot of zikr and dua. You know, have that personal conversation with him. Turbo speed in the last 10 days. Number 8, spending. Remind your family members about zakat. Family ke upar spend karein. Relatives, rishtedar aise dhoonde. We have sometimes people who are not very affording. Poor logon ki help karna. Invest in sadqa jariya projects. Community work mein involve ho. Sharing karein. Aap samosa lene gaye mein aur aap dhakke maar maar ke aage ja rahe hain. And you know, there is an uncle over there, bichari koi auntie hai, unko rasta nahi mil raha, unhone bhi koi cheez le di hai, aap unko jagah de dein. Aapki auntie baithe, main aapko la deti hu. Koi grocery kar raha hai, usme help kar de. We have hospitals at our disposal. Wahan pe dekhen patients hote hain, bicharon ke paas na sehri hai na iftari hai. A student asked his teacher, if the shaitan is locked up during Ramadan, why do people still do bad things? The teacher answered, what happens when you stir a cup of coffee for a long time? After you take the spoon out, the coffee continues to stir on its own, right? Shaitan is that stirrer, and we are his coffee. Our bad habits continue to stir even when he is away. Agar Ramzan mein shaitan is locked up and you feel there is no change in you, you should be highly concerned. You should feel as if you have been diagnosed with a cancer or a fatal disease. इसलिए वो आप fully trained हैं by the shaitan. Your desires, your nafs is not in control. Make a very realistic plan for yourself so that you see a change in yourself before Ramadan and after Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.